पूरे महाराष्ट्र में पर्यावरण दिन बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी क्रम में उपराजधानी के दक्षिण नागपुर स्थित श्री दत्तात्रेय गार्डन में हुडकेश्वर पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक कविता इसारकर इनकी अध्यक्षता में महिलाओं के लिए एक शानदार कार्यक्रम लिया गया। कुराश एसोसिएशन पुलिस मित्र समिति के अध्यक्ष माधुरी घोसेकर तथा उपाध्यक्ष रजनी भोसले, इन्होंने शानदार कार्यक्रमों का आयोजन किया। इस मौके पर योग नृत्य परिवार की वंदना क्षीरसागर एवं सैकड़ों महिला खास तौर पर मौजूद थी। आइए देखते हैं। पर्यावरण दिन पूरे भारतवर्ष में हर कोई मना रहा है। कहीं पौधे लगाए जा रहे हैं तो कहीं पर्यावरण से जुड़े संगीत के प्रोग्राम हो रहे हैं। इसी क्रम में दक्षिण नागपुर के अंतर्गत आने वाले दत्तात्रेय नगर गार्डन में कुराश एसोसिएशन पुलिस मित्र समिति की अध्यक्ष माधुरी घोसेकर वो उपाध्यक्ष रजनी भोसले द्वारा गार्डन के महिलाओं के लिए जनजागृति का शानदार कार्यक्रम लिया गया। जनजागृति कार्यक्रम के लिए पुलिस प्रशासन में कार्यरत डैशिंग महिला अफसर के नाम से जानने वाली हुडकेश्वर पुलिस थाने की वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक कविता इसारकर कार्यक्रम की प्रमुख अध्यक्ष थी। इस मौके पर कविता इसारकर इन्होंने अपराध से जुड़े सभी पहलुओं पर रोशनी डाली और महिलाओं को खुद को कैसे सामर्थ्यवान, बलवान, शक्तिशाली, हिम्मत वाली बना सकती है, इसका बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन किया। कविता इसारकर द्वारा किए गए अच्छे मार्गदर्शन से महिला काफी खुश नजर आ रही थी। घर में हो रही चोरी, खून, डकैती, ब्लैकमेलिंग, फर्जीवाड़ा, फेसबुक आदि टॉपिक पर मार्गदर्शन किया। कविता इसारकर मैडम द्वारा जो भी मार्गदर्शन गार्डन के महिलाओं को हो रहा था, जिसका फायदा निश्चित तौर पर महिलाओं को हो सकता है। इस मौके पर समस्त गार्डन की महिलाओं ने माधुरी घोसेकर, रंजना भोसले, वंदना क्षीरसागर, डॉक्टर प्रीति सावरकर और कविता इसारकर इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए आयोजित इस जनजागृति कार्यक्रम की काफी सराहना की है। इस मौके पर वरिष्ठ पीआई कविता इसारकर, अध्यक्ष माधुरी घोसेकर, डॉक्टर प्रीति सावरकर व अन्य महिलाओं ने बीसीएन समक्ष जानकारी दी है। आइए देखते हैं। क्या कहना चाहोगे आप? या गार्डन मध्ये पहिल्यांदाच मी असा कार्यक्रम बघते आहे ज्या घरच्या ज्या स्त्रिया आहेत त्यांच्यापर्यंत हा जो मुद्दा आहे पोहोचणं फार आवश्यक होतं। त्यांच्या सोबतच त्यांच्या मुली वगैरे असतात, त्यांच्याशी पण संवाद साधणं फार कठीण असतं, पण आई ही संवाद साधू शकते मुलांशी। आणि हा कार्यक्रम घेतल्यामुळे मला वाटतं की समाजामध्ये स्त्रियांची जागृती छान होईल आणि परिवर्तन हे होऊ शकतं स्त्रियांमुळे। हुडकेश्वर मॅडम को रिक्वेस्ट की कि मॅडम हमको थोडा जागृती बताओ कि महिलाओं के बारे में क्या क्या है। तो हमारे मैडम ने जागृति के बारे में कुछ बताया कि वह महिला एक कैसे जागृति कर सकती है, कैसे कहन रह सकती है। मैडम ने हमको पूरा माने एग्जेशन इतना दिया कि हमको अभी पावर आ गया कि हम आगे चल सकते हैं। जी आज यह जो यहाँ प्रोग्राम हुआ है ऐसे प्रोग्राम बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इतनी यहाँ पे ये बढ़ रहे हैं क्राइम्स और सब समाज में या गृहिणियों में और लेडीज़ में अवेयरनेस बहुत ही ज़रूरी है। तो इनके मार्गदर्शन से हमें बहुत सारा मार्गदर्शन मिला है और सभी में अवेयरनेस जागरूक होगा, ये मैं अपेक्षा करती हूँ। धन्यवाद। जनरल अवेयरनेस सिविलियंस को नहीं होता है, जितना भी अवेयरनेस रहता है ये सब डिपार्टमेंट्स वालों को, फोर्सेस वालों को रहता है, लेकिन सिविलियंस को नहीं रहता है। इसके हिसाब से ये सब नज़र रख के हम लोगों ने ऑनरेबल डिग्नेटरी मैडम को हम लोगों ने बुलाया यहाँ पे कि यहाँ पे काफ़ी स्ट्रेंथ रहता है लेडीज़ की, जेंट्स का काफ़ी स्ट्रेंथ रहता है। तो उस चीज़ों पे जैसे डोमेस्टिक वायलेंस है, इन दिनों इन एरिया में ज़्यादा चोरियाँ डकैती बहुत सारी चोरियाँ हो रही है, बहुत सारे इलीगल एक्टिविटीज़ होती है। तो ये हम लोगों ने मैडम से डिस्कस किया और मैडम को यहाँ पे बुलाया, रिक्वेस्ट किया और मैडम आए अपने काम छोड़ के। आज संडे है, संडे के दिन भी वो इतना बिल्कुल पर्टिकुलर टाइम पे आए और हमारे साथ इतना संवाद साधा है, इसके लिए बहुत बहुत थैंकफुल। थैंक यू वेरी मच। हमेशा ये बोलती हूँ कि घर हो या समाज या देश, इन सारी चीज़ों में महिलाओं का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो 50% से ज़्यादा है। हालांकि वो 50% के आसपास है लेकिन कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो 70% के आसपास होता है। तो समाज में हो या घर में हो या राष्ट्र में हो, उस कॉन्ट्रीब्यूशन के चलते ही हमारा समाज सही तरीके से चल पाता है। इसलिए समाज में किसी भी तरीके की समस्या हो तो उस पर सबसे पहला पर्याय जो है, जो निकाल सकता है और जो कर सकता है, वो महिलाएँ हैं। इसलिए मैंने सोचा कि पहले मैं महिलाओं से शुरू करूँ और इसलिए मैं यहाँ पर महिलाओं के लिए जागृति के लिए आई हूँ। दत्तात्रेय नगर गार्डन से संजय मिरे, इनकी ये ग्राउंड रिपोर्ट। संजय मिरे, बीसीएन न्यूज़, नागपुर।